मैं अपने गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं। सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो चल अबा के पास इतने पैसे अब आपने घर क्यों बेच दिया जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहाँ घर टूट जाते हैं ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे मॉडल स्टील आओ एक मजबूत घर बनाते हैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं शाहिद मियां प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के इस सफर में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कांसेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज व्योस जैसा कि आपको पता है कि, कि एशियन ट्रेड टीवी की रवायत है कि हम हमेशा ही आपके साथ ऐसे स्टार्स को मिलाते हैं जिन्होंने ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया होता है बल्कि अपनी फील्ड में रहते हुए आला मुकाम हासिल किया होता है और यही पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है जो हम दिखाने की कोशिश करते हैं आज मेरी हमेशा की तरह 130 एपिसोड होने जा रही है और यकीन माने हमारी कोशिश होती है हम हमेशा एक ऐसे स्टार को आपके सामने ले रहे हैं जिसकी एक स्टोरी ऐसी हो जो कि एक ऐसी से स्टोरी हो जिससे आने वाली नस्लें इंस्पायर हो जिससे आजकल के बच्चे इंस्पायर हो आज एक खातून मेरे साथ है बहुत बाहिमत खातून है बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का जी हाँ मैं उनका तारफ अगर करवाना भी चाहूँ तो यकीन मानेगा मेरे पास थोड़ा सा अल्फाज का चुनाव करना मुश्किल हो जाएगा बहुत ही इंटोलैक्चुअल है और बहुत ही काबिल खतून है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ हाँ, मिस अमरीन सिपरा की वो क्या हैं आप नाम से समझ गए होंगे उनके क्रेडिट में कितने उनके पोर्टफोलियो क्या है और उनके क्रेडिट में कितने काम हैं वो शायद मैं ना बता सकूँ वो ख़ुद बताएंगी इस सफ़र में आज लेकिन इससे बढ़ के जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि एज ए इंटरप्रर और एम्पावर की अगर बात करें खातून को एक ऐसी खातून जिसने जब उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आए बहुत सारे ऐसी जगह भी आए जब हिम्मत हार के वो बैठ जाती थी चाहे वो फिनानशली हो लेकिन उसके तो इंसान लड़ सकता है दोबारा से फिर हिम्मत करके खड़ा हो सकता है लेकिन यकीन मानिए जब दो हज़ार टू में उनको पता चला अचानक से एक दिन सुबह में कि उनको ब्लड कैंसर है दो हज़ार ग्यारह से लेकर आज तक हर सुबह वो जब उठती हैं एक नई हिम्मत के साथ एक नए जज्बे के साथ और एक नए हौसले के साथ अपनी उस बीमारी को पीछे छोड़ते हुई जी हाँ मैं बात करूँ उसी अमरीन सिपरा की जिसने अपनी बीमारी को हरा दिया अपने पैशन के आगे और आज वो तरक्की करती करती आज वो चाहे वो वाटर्स के प्रोजेक्ट्स हो चाहे वो क्लाइमेट चेंजिंग के प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट्स हो बहुत सारे कुछ उन्होंने किया और कर रही हैं कभी उन्होंने अपनी बीमारी को आड़े नहीं आने दिया हमेशा खुश अखलाक़ी की वो जामिन रही है और है भी है मैं और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इससे पहले आज ख्वाबों से तबीर तक का ये सफ़र बहुत हसीन होने वाला है क्योंकि आज मेरे साथ अमीन सिपरा है उनकी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें उनकी स्टोरी और माजी की बातें वो क्या थी क्या है क्या है होगी और क्या सोचती हैं और बीमारी से लड़ते लड़ते आज वो किस स्टेज पर है और वो आगे क्या करना चाहती हैं आने वाली नस्लों के लिए वो उन्हीं से जानेंगे मेरे साथ रहिएगा उम्मीद है कि आपको ये सफ़र पसंद आएगा जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीर तक इस सफ़र में पावर्ड बाय मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज अमरीन कितना बड़ा तारफ़ कितनी बड़ी शख्सियत आज मेरे सामने बैठी है सबसे पहले शुक्रिया बहुत बहुत आपका टाइम देने का मोस्ट वेलकम हमेशा की तरह आज भी ये मुझे लग नहीं रहा था कि इंटरव्यू होगा क्योंकि आपकी तबीयत और सेहत यानी कि सम टाइम ऐसा हो जाता है अमरीन बाकी बहुत बड़ी आपकी स्टोरी है और ये मेरा सफ़र भी ख्वाबों से तबीर तक है सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि वो बचपन के ख्वाब जो आप देखती थी वो ख्वाबों से लेके एक्चुअल में अमरीन क्या है और यहाँ तक अमरीन को पहुँचते पहुँचते बहुत सारे हेडन्स आए आपकी लाइफ में कई दफ़ा आप यानी कि अप डाउन दूसरी चीज़ें भी चलती रही और फिर एक ऐसी चीज़ आई आपकी लाइफ में जिसने टोटली आपकी लाइफ को चेंज कर दिया कोई और आपकी जगह होता तो शायद आज यहाँ ना होता ज़िंदा भी ना होता लेकिन आपने अपनी बीमारी को हराया है और हरा रही हैं हर रोज़ इतने जज्बे के साथ आप लोगों को दिखा रही है बताइएगा वो कौन सी चीज़ है जो हर रोज अमरीन को पैशनेट करती है प्लीज थैंक यू सो वेरी मच आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया शायद टू द पॉइंट बिल्कुल जो कोई भी नहीं आज तक बता सका ना समझ सका है uh, क्या चीज़ मुझे चलाती है इज माई पैशन टू वर्क एंड पैशन नॉट टू डिपेंड ऑन एनी वन मतलब लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं ना क्या आप कहते हैं कि अच्छा मुझे सब कुछ मिल रहा है उफ मैं तो मेरे तो आज साल में दर्द है तो मैं आज काम पे नहीं आ सकता दिस इज़ समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज वॉट आई गो थ्रू इट मेक्स मी फील कि डिपेंडेंसी किसी पे बैठना कि कोई मुझे खिलाएगा चलाएगा दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू मी इसलिए मैंने ना शायद कैंसर का सुन के भी हार नहीं मानी बिकॉज माई चाइल्ड हुड वॉज इन अ फैमिली जो कि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था ग्रैंड uh, पेरेंट्स की जो दोनों साइड से थी प्रॉपर्टीज़ और लैंडस और इतनी ज़्यादा थी कि ख़ानदानी बिरादरी सिस्टम आप अंडरस्टैंड करते हैं पंजाब yeah. में तो यही है लाहौर में, में कि ज़मीनें हैं आप प्रॉपर uh, प्योर जाटे हैं तो आपके अपने स्टाइल्स yeah. और तरीक़े हैं सो फ्राम अ जॉइंट फैमिली सिस्टम वेन माई दादा वॉज इन पुलिस वर्किंग विदा पुलिस एजुकेशन वॉज आर प्रायोरिटी क्योंकि दादा से पहले दो जो सात लड़ी थी वो सारे हाफज कुरान थे लाइक like, औरतों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी और डोमेस्टिकेटेड किस्म का सिस्टम था बट माई ग्रैंड फादर ब्रोकेट एंड दैन वन ही हैड फाइव सनज एंड फोर डॉटर्स लाइक ये मेरे अब्बा का जो फैमिली थी वो दस बहन भाई थे सो so, अब वो जो दस बच्चे थे तो उन्होंने कहा एंड माई दादी वॉज अ प्योर अनपढ़ जटी खानदानी औरत एंड शी मेड श्योर कि वो उन सब लड़कों को पढ़ाएंगी लड़कियों को ताकि वो किसी बेस पे आ सकें सो टूडे द सिपरा फैमिली हैज़ अ ब्रांड नेम एंड अ प्लेस इन सोसाइटी बाय द वे मेरी फैमिली मुझे अनपढ़ कहती है बिकॉज एज कम्पेयर बिकॉज वो सब पी एच डीज हैं सब ब्यूरोक्रैट्स हैं कोई किसी पोजिशन पे है कोई कुछ है वो कहते थे तुम कहाँ कारोबार की तरफ लग के गेम ऑफ चेस कि कभी आप जीतेंगे या लूडो कह लें कि गिरेंगे और एक उचेंगे. दिन आप ऊपर एक दिन एक दिन दिन आप, आप नीचे बट बिकॉज आई लर्न फैमिली सिस्टम के रिश्ते क्या हैं एंड देट इज बिग ट्रेनिंग थैंक माई स्टार्स एंड माई पेरेंट्स एंड माई दादा नाना इट के बहुत अच्छी ग्रूमिंग उन्होंने हमारी की रिश्तों की कदर हुई जब हम वहाँ से सीखे हमने डिसिप्लिन भी सीखा टाइमिंग्स mm -hmm. अगर आपने कहीं जाना है तो पंक्चुअलिटी घंटा मैं जब भी कहीं लेट होती हूँ ना फर्स्ट थिंग आई डू इज पॉलिजाइज वो मैं अपनी वजह से लेट नहीं होती ड्राइवर या ट्रैफिक या किसी भी वजह से लेकिन क्योंकि इन बिल्ट मेरे अंदर वो चीज़ें हैं आई कॉन्ट चेंज दैट सिस्टम कि अगर mm -hmm. कहीं जाना है तो इट हैज टू बी स्ट्रेस एंड कमिटमेंट इज़ लाइक यू हैव टू फुलफिल सो वो जैसे हम स्कूलिंग अच्छी हमें मिली हम पढ़ते गए बढ़ते गए एक्सपोजर्स फैमिली से मिलते गए So I was sent to after my graduation from Canada, I was sent to US. Kijao Cornell University may admission, you know, you can study here. joint family keepu was very attached. Say Pancha Tumbi Karo. But after a month and a half I called up my parents and said, This is not my cup of tea.

Uh, but because my parents, uh, when I came back from US, they married me off at an early age uh, to a family known to them, was a Sayyid family and I was doing my, master, uh, my uh, law degree from Punjab Law College. Okay. So, my mother-in-law said that you can complete it because if it's your passion, you can complete it. So, at 19, was married and settled and got two girls from the first marriage.

So I was there with my college fellows. And mm -hmm. I said, What do I do with these big, fat books? Economics is not my subject. He said, okay, what I do? No problem. And I said, Lums, I can't go. Mm -hmm. I study, I do <laughs> okay, one fine day, he you know just put his hand like this. And he said, what do you want to do? I said, law. Mm -hmm. So he got me a car. And he said, be independent. Go.

Then he said, What do you want to do? Okay, I'll put you to he spoke to Tareen and he sent me to Citibank. He said, Tomorrow morning, go do your joining. Or uh, they're giving you a marketing job, so try your luck in the bank. So now my father-in-law, the then father-in-law, was a panch namazi very sober person. But he had a family-inherited printing mm. press. Mm. Joe, Kagas, TZ, printing khana, jo tha. तो ये सिटी बैंक था जर्टन रोड पे एंड राइट अक्रॉस दिस कश्मीर रोड वे वी बैंड वॉज द प्रिंटिंग प्रेस ही टुक मी फ्राम होम इन सेट कम आई टेक यू आई आई ड्रॉप यू टू द बैंक एंड यू कैन कम बैक विद मी बिकॉज मेरे बिल्कुल ऑफिस के सामने है ऐसे ठीक है वन यू वेंट तेर ही सेट के देखो बेटा आज का दिन अपने अब्बा को फ़ोन कर लो एंड तुम आज मेरे साथ प्रेस पर आ जाओ और फिर कल से तुम बैंक जॉइन कर लेना नाउ रिमेंबर लाइक ए सैट जॉइंट फैमिली लिहाज so i called up my father and said Shah is saying ki tum nahi jao jao he said okay i phone karta hu tum kal chali jana mm -hmm. so he took me and i was taken to this you know big 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 industry which was printing newspapers and papers and woh chak 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 machine ne chal thi. he showed me around and he said look this is your table this is what we do and this is the phone beta tareekekar ye, 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 ye hai ki ye and this is it now let's see what you do during the day कल से तुम अपना बैंक ज्वाइन कर लेना सो द फोन वॉज देर एंड आई हर्ट हिम लेट्स ट्राई कॉलिंग किस को जरूरत होगी स्टेशनरी की चीज़ों की आई आई माइंड एंड मेड अ फर्स्ट कॉल टू पी सी लाहौर ओके मैंने पी सी लाहौर कॉल किया और उनको कहा कि मुझे बताएं नो 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 जस्ट कॉल द रेगुलर नंबर रेगुलर नंबर

लेट्स से हमारे आधा घंटा गुजर गया सो द फोन लैंडलाइन एंड वो कहते हैं कि जी आप अपनी फैक्स मशीन ऑन करें हम पीसी से बात कर रहे हैं फैक्स मशीन ऑन करेंटा साहब फैक्स मशीन क्या होती है तो साइड वेट मैं ऑन करता हूँ उन्होंने ऑन की एंडर फॉर से

i went home very happy and then the next day routine was he used to bring me with him and take me back with him so and then when i was expanding there he got me a computer a p1 system for 4 lakhs at that time and he said Beta, kuch bhi you will be equipped i felt like a queen so business was on i was learning every day and i was giving him revenue and he was comfortable with me and we were growing like ek time, maybe i to pace guy स आई कॉल द बिग बॉस इन साइड जाओ वहाँ से ऑर्डर ले लो बिकॉज देवर ऑल माई फादरस्ट फ्रेंड तो वन डे जब हम पेज के डब्बे ईजी हो गया सब कुछ पहले ईजी हो गया कॉन्टैक्ट था हमारा फैमिली बेस्ट थी जहाँ भी फोन करो कहते थे बेटा जाके ले लो अब हम पेज के डब्बे लेके आ रहे हैं शाह साहब ये बनने के, के. So you know, चीजें चलती गई इवेंचुअली फ्राम द प्रिंटिंग लाइन आई रियलाइज कि अब मैं इस काम में आ गई हूँ सो लेट्स एक्सप्लोर मोर सो so हम थोड़ा करते करते एडवर्टाइजिंग की तरफ जाने लगे लोगों को कॉल करके आई हैड अ फुल टीम विद मी जो मेरे नीचे काम कर का रही थी हम जी यूनीवर पे भी पहुंच गए हम ब्रुक बॉन्ड पर भी पहुंच गए हम एक्सपैंड करते करते वी डेंट नो बाई वी वाह वी यू डीलिंग इन मिलियंस नाउ एंड देन ही गॉट मी अ पुरानी छोटी कार विच वॉज अ ट्योठा करोना एंड इट वॉज येलो इन कलर ही सेट बेटर ये आती है सो यू आर इंडिपेंडेंट कि यू डू वट यू वॉन्ट टू बिकॉज बच्चों की स्कूलिंग शुरू हो रही थी सो ना आई अथएफाई दर्ल्स इन टू शोज एजुकेशन वॉज अम्पलशन बट डूरिंग दिस टाइम दॉप माई मदर पास नाइनटी सिक्सार्टन यू लूजर एट अंग एज एंड टर्निंग पॉइंट आई थॉट के लाहौर से निकल के लेट्स मूव टू कराची बिकॉज काम भी कराची okay. पे And we got a big order from Walls Ice Cream. Industry Mariah. Industries are there. So we tanking. as a family moved mm. to Karachi because mm. we was a contract with Walls okay. Ka, gaya tha, ice cream ka, signages, ka, so we moved to Karachi. It was, you know, best schools, mm, pe chale yeah. and Karachi was a growing point. Mm. So then from there we expanded into three offices independently. Mm. Independently, like hamara Kam, gaya. And then I switched the name. I launched Synergy Inc. because mm. I was all independent. My We were working very hard in Karachi, Lahore, Islamabad. Then um, we shifted back to Lahore, because Kent had a contract for beautification. So we were here and then Islamabad CDA development. So life was like doing easy. During this time, my father passed away. So another resource gone so then from there onwards the the wedding was on a roller coaster also roll, it didn't wasn't working out so when i left my entire industry was kuch they make you break down so i was like on the road yeah is a negative I, thought. So yeah, then, yeah, yeah yeah i was like he said if hai, toh, mm. so wo, it was like dead zero mm. so i was back with my family my thaya, and um, he said, Ab you can rest like everyone else in the family is resting. I said, no, I have to work. So from there I launched a totally new line because I didn't want people to say wo family business, I tha, tha, wo wo tha." So I launched Synergy Water, which was an absolute line change. And we were into an industry. Advertising is a field of different Synergy Water. Construction is different. Yeah. And so I launched Synergy Water okay. and which was like वेल वेन अल्लाह इज़ विद यू थिंग्स हैपन है ये लगा कि जो पिए वो कहे पानी बड़ा अच्छा है पानी पानी बड़ा अच्छा है और वो ब्रांड एस्टैब्लिश होने लग गया है वॉज वर्किंग विद गवर्नमेंट हमने रेस कोर्स पार्क में फ्री वाटर डिस्पेंसर्स अलफला बैंक से स्पॉन्सर करा के लगा दिए सो पीपल वेन दे वॉक देरी बॉटल्स दे वेटिंग कप में डिस्पेंसर के साथ पानी सो so,

बिकॉज यू नो पतला बंदा सही रहता है एंड आई डोट टेल मी कि तुम चेक करो बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है नाइ बॉर्डर्ड आई केम बैक फ्रॉम इस्लामाबाद आफ्टर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट द मोमेंट आई केम होम आई वॉज स्टैंडिंग इन आई फेल एंड वेन आई वो कप दे सेट यू हैव हंड्रेड एंड सिक्स टेम्परेचर एंड यू नीड टू बी गिवन कीमो Acutely, यानी yani कि temperature मतलब वो 106. That's why I fainted. Oh. कि मुझे बैठे-बैठे एकदम से बुखार हुआ. And it was the 6th of January. And um, two days I was like absolutely unconscious. So when I woke up, I saw my brother talking to this bald man, and they were both arguing. He was saying, K I'm the oncologist, and I know the condition. If the platelet count is 2.5 million, she could have a stroke and be paralyzed for life. So my brother was saying, No, go buy the book. Mm. We have to have the test before. How can you do this? I tried speaking, but there was no voice. So I said, Pen, pencil, though. And I said, I wrote to my brother, let the doctor do what he wants to. He said, You're stupid. I said, Let him do what he wants to. So the doctor read it and said, She seems intelligent. And So they gave me the chemo then. And by the time my brother took me to Karachi, Khan, and all these places, I was single at that time. So wo, the story, when the results came, they said, It's as per doctor requires. Uh, it's, it has, you know, whatever he perceives how the medication has to be given, it is already under control. Like, yeah. um, he's, the chemo has covered her from getting into paralyzation or anything. But then the family said, just pass your time. time Oh, my uh, It was like I would stand in front of the window and I, the mirror and I would say, ke,

सोधन आई रियलाइज के यार ऐसे कैसे गुजरेगा अल्लाह टाइम ही नोज हुआ सो फिर मैंने अपने डॉक्टर से कहा उसने कहा कि जस्ट कीप मूविंग बट चलो फिर जितना चल सकती हो सो धैन आई कन्विस्ड मैथ आया कि मुझे कुछ करने टाइम मुझे don't. कुछ करने यहाँ से जिंदगी स्टार्ट होती है मुझे कुछ करने दे. इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे नाजरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है और मेरी मजबूरी है इस टाइम एक ना ब्रेक लेना अदरवाइज अमरीन कुछ करने दे ये ये टाइम याद रखिएगा और ये वर्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं लाइफ में एक ऐसी स्टोरी वन थर्टी एपिसोड आज मेरी है और पहली स्टोरी कैसी आ रही है जिसने ना लाइफ को चेंज कर दिया है मेरी भी सुनते सुनते बहुत सारी चीज़ जी अमरीन कुछ करने दे <laughs> कुछ करने अच्छा, दे अच्छा, वो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जी करना भी है कि आपने अपनी मर्जी कर ली है फाइंड अ जॉब सो आई लाइक आई सैड आई न्यू द बैंक टॉप हेड सो मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि कर लो जहाँ जॉब करनी है आ जाओ तो दे हैड वर्क विद मी इन बिज़नेस ऑल्सो उन्होंने काफ़ी अच्छा फंड वंड करके हमसे काम कराया था कौकरी चलो तुम्हारे हालात ऐसे हैं ठीक है अब मुझे बताएँ दो लाख रुपये में अगर किसी बंदे को गुजारा करना हो विद मेडिकेशन इट्स नॉट पॉसिबल पाकिस्तान में तो पाकिस्तान तो तो में इवन चाहे दो हज़ार ग्यारह हो या हाँ, बारह हो नहीं पॉसिबल सो आई आई केम बैक टू मैंने सेट कराची में मुझे उन्होंने जॉब दी है और उन्होंने कहा कि तुम दो लाख रुपये तुम्हें मिलेंगे सो तुम कर लो जॉब उन्होंने ही थाट थॉट थाट इन ही सेट तुम्हारा डॉक्टर इधर है सो फरगेट इट फिर mm. तुम और कहीं और जॉब कहीं ढूंढ लो सो mm. so, दो चार महीने हमारे इसमें निकल गए ही मूवड मी टू एन अपार्टमेंट क्लोजर टू हेम के ही सेट के तुम इंडिपेंडेंट रहना चाहती हो सो दे गेव मी एन अपार्टमेंट रॉट नेक्स्ट टू दम ही वॉज पेइंग फॉर एवरी थिंग एंड ही सेट तुम बस रेस्ट करो फिर मैं रेस्ट मटेरियल हूँ नहीं ना बचपन से नहीं हूँ सो वो फिर जब मैं सोचने लगी तो आई सेट मैंने उनको कहा कि अगर आपने मुझे ऐसे ही करना है तो फिर मैं कुछ शादी कर लेती हूँ ताकि कोई और करे और मैं घर बैठूँ सो सेट यू हैव एन ऑप्शन आई सेट नो यू फाइंड एन ऑप्शन एंड आई टू एज यू से फाउंड समी इन यू केन मैंने तो पाकिस्तान से बाहर जाना ही नहीं था कभी मेरा मिशन था ही नहीं सो आई आई हैड थ्री ऑप्शन टू डिसाइड फ्राम I chose somebody who had come from a banking professional. He was in Barclays, uh, UAE. And just like turmoil life, So I sat down with him and I said, look, I have targets. Okay. I've got girls. They're with the father and grandparents. I haven't left them because I'm not The day I'm settled, I want to bring them back. And I want my synergy to stand again. If you agree to these terms, I'm OK. ही स्टिल with मी mm -hmm. मैंने कहा सारी मेरी मर्जी होगी द वे आई वॉन्ट टू बिकॉज अकेली औरत विद अ बीमारी जब आप हॉस्पिटल जाते हैं ना तो डॉक्टर्स आपका इलाज नहीं करते थे मेरा करते थे भाई आए कोई घर से आए नौकरों के साथ हम इलाज नहीं करेंगे भाई इन्होंने मुझे गार्ड दिया हुआ है मेड दी हुई है जो भी साथ आ जाए तो वो दैट मीन्स टू बी ए प्रॉब्लम डाटा साहब ने पूरा तैयारों के आना होता था बिकॉज उनकी अपनी एक प्रस्टीज है भाई रात को तंग होता था कि क्या मुसीबत है तुम रात को ही बीमार होती हो सो बास इत न्यू होता है आई हैड दिस डिजीज़ एन ई सैड ओके सो वो हुआ ये कि सारी चीज़ों को क्लब करके आई बिकेम स्ट्रॉन्ग विद अ पर्सन स्टैंडिंग बिहड मी कि अगर मैं काम पर भी हूँ और मैं इशारा करूँ ना कि ओके आई एम सिंकिंग सो यू वो जस्ट टन दार एंड रश टू द हॉस्पिटल सो लाइफ बिकेम ईजी आई वॉज टेकिन केयर ऑफ फाइनेसिस तो चलो हम मैनेज कर ही रहे थे लेकिन इशू ये था कि आई हैड समीट माई इंटरेस्टिंग पार्ट इज मैंने इससे शादी की सो माई तायर थ्रू मी आउट ये तुमने मेरी मर्जी की। की so है। है। गुस्सा चढ़ता है बड़ों को जब हम

So, and then, and then my, some of my people encouraged me, it's okay, I got it's like legal, there's no My reason was that the man behind will protect me from all evils mm -hmm. and he did. And then we suddenly grew, like again my brother was always at my back. He said, I'll find you th for three months, but in three months I want to see you back in action. वन वाइन डे आई रेंटेड अ कार पुरानी सी करोला रेंट करके मैं मुझ आई मेरा फ्रेंड एंड ई सेट तुम किधर गायब हो मैंने कहा मैं अपने मसलों में हूँ ये सेट कम टू मॉलोट ऑफिस यार मतलब काम इतना है तुम क्या कर रही हो सो आई वेंट टू दिस ऑफिस एंड ही मी एन असाइनमेंट एंड ई सेट जैसे मर्जी करके कल ले आओ इफ योर डिजाइन गेट अप्रूव यू गॉट द कॉन्ट्रैक्ट दिस इज का इदारा मेरे पास ना टीम ना लैपटॉप ना कुछ सो आई वो दिस शॉप एंड आई सेट दे फॉर आवर्स उनको पेपर स्केच करके दिया थ्री डीज बनवाएं डिजाइन कराया नेक्स्ट डे आई सबमिटेड एंड इट गॉट अप्रूव्ड अच्छा अप्रूव हो गया सो दे सेट ओके आप क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है सो इट वी सब कॉन्ट्रैक्ट आप ये ये एरिया तैयार कर दें सो वी न्यू वी हैड वर्क हम दोनों लग गए रातों को साइटों पर रुके हुए दिन में रुके हुए काम करें And we developed that project, like wo successfully ho gaya. We bought a car, we were like, hum and we were like very hopeful we'll we'll do more. And he was also learning. It was, like, he was learning and he was a quick learner mm -hmm. and a, a good doer. So it was tools, a company like they say we were growing. Hum grow karte, karte, That's the time when my family came back again. एंड दे वर लाइक राइट बिहाइंड मी मैया सेड आई एम बिहाइंड यूथ ओके कोई मसला नहीं सो वी देन वेंट ऑन 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 हम इस्टेब्लिश करते गए लड़की बच्चियाँ आने लग गई यू नो देर ए गुड बॉन्ड विद हेम वी वर लाइक द्रैंड पेरेंट्स वर इन टच विद मी वो हर चीज़ में सपोर्टिव हैं लाइफ वॉज गोइंग स्मूथ हम ग्रो कर रहे हैं भाग रहे हैं इधर भाग रहे हैं उधर काम कर रहे हैं वन डे वन सिटी ट्रैवल है ना जब आपके कोई इशू नहीं है कि आपने अकेले जाना है कैसे जाना है किसी से पूछना भी नहीं और हम दोनों निकलते थे और काम इज़ ऑन द गो ठीक है वो करते कराते वन फाइन डे वी वर एट वर्क एंड आई वाज़ टेलिंग हिम के मुझे ना कुछ चक्कर आ रहे हैं प्रॉब्ली तुमने कुछ खाया नहीं होगा सो so, इस वजह से वी इग्नोर इट थोड़ी देर के बाद हम uh, जब अपना सिस्टम सारा देखने के लिए एक ऑफिस नया देखने के लिए गए तो आई ब्लैक आउट एंड स्क्रीमिंग आई कॉन्ट सी आई कॉन्ट सी So he put me in the car and he rushed me to the hospital. Oh this is 2017. God. Rise and fall, like they say, rise and fall. I was like, oh my God, oh. what do I do? I mean, I'm, uh, sure I am in a no. Option. What do I do? There's money in my bag. Yeah. And there's uh, we have an office shifting to do. What do we do? He said, he said, I will look into it, you just keep quiet. बाई दिस टाइम आई ब्राद मूव टू भाई रेन फॉर इज ऑपरचुनिटी योर वर्क एंड ही हेड लेफ्ट इज कारू मी कि तुम इस को देख लो इफ यू वॉन्ट टू यूज़ इट और इफ़ यू वॉन्ट टू सेल एंड टू बिजनेस इट्स योर चॉइस सो वो करते कराते मैं तब हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ एंड डॉक्टर्स ने न्यूरोजिस्ट आ रहा है फलाना आ रहा है वो कह रहे जी इन्होंने दवाई नहीं खाई की वो नहीं सही की वो कुछ में लापरवाही कर जाती थी सो mm. so, वो प्रायरिटीज डिफरेंट होती थी कि दवाई से ज़्यादा काम करना है क्लॉथ वॉज लाइक दि पुट मी ऑन दुट थिंगर वो जो लगाते नहीं हैं किडनी uh, के लिए भी करते जी हैं पुट दिस थिंग एंड दाइप के थ्रू हम करेंगे एंड आई वॉज इन दॉपिटल फॉर लाइक गुड लॉन्ग टाइम और uh, मुझे लगा कि नाउ इट्स टाइम टू एंड अब तो बस बात ख़त्म हो गई अब क्या होगा कुछ भी नहीं हो सकता एंड आई यूज टू मेक पास इट रन और ऑल अराउंड कि तुम वहाँ से प्रिंटर्स उठाओ मशीन उठाओ ऑफिस को शिफ्ट करो

और मेरा था भी ओ नेगेटिव मिलता भी नहीं था बट आई एम ब्लेस्ड विद पीपल अराउंड मी दे वॉर स्टैंडिंग लाइक अ फोर्स वो कहते थे तुम सब चीजें छोड़ दो वी विल फंड हॉस्पिटल वील फंड एवरी थिंग तुम माई फ्रेंड्स यू जस्ट गेट नॉर्मल ट्राई टू फाइट दिस ऑल्सो विच अ बिग स्ट्रेंथ कि मुझे स्ट्रेस नहीं था कि क्या yeah, होगा बैकअप पे मेरा ये चल रहा था व दिस पीपल हुई फॉर मी हाउल बैक यू इफ आई डोंट सर्वाइव विध मी बट देर देर अल दे कम टू योर सपोर्ट सो वो आई वॉज लाइक ए वॉज अस वो एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें तो उस पर मुझे शिवरिंग शुरू हो गई है और आप यकीन करें बिकॉज मेरी पर्सनैलिटी ऐसी कि मैं दोस्ती ज़्यादा कर लेती हूँ और लोग मतलब मेरे साथ फ्रेंडली हो जाते हैं दिस डॉक्टर वॉज स्टैंडिंग देअर माई लक शी कॉल्ड एमरजेंसी शी साइड ये क्या है नीड्स टू तो बी शिफ्ट टू तो आई अब ना मैं फ़ोन कर सकती हूँ ना मैं किसी को बुला सकती हूँ यू न कोई टाइम होता है कि कोई भी नहीं होता आपके पास और वो एम में जंप कर रही हूँ बेड से इतनी वो बिकॉज वो हो रही है शिवरिंग एंड शिफ्ट आई सी यू उन्होंने कहा जी कोई हल ही नहीं है हम व्रीटमेंट करेंगे और मेरे बैकअप पर चल रहे कि बिल बन रहा है बिल बन रहा है या और वो बस वो करते कराते मुझे नहीं पता

ये आप देख रहे हैं कि अमरीन एक के बाद एक नई चीज़ सामने लेके आ रही है एक्सीडेंटली और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस टाइम ब्रेक लूं कि इस चीज़ को कंटिन्यू करूं क्योंकि ये अब लंस तक बात पहुंच गई है अमरन सिपरा की इस स्टोरी ख्वाबों से तब तक के सफ़र में आप सुन रहे हैं एक ऐसी खातून बाहिम्मत खातून मैं कहूंगा जो जब जब, जब खड़ी होती थी उस वक़्त कभी बीमारी उसको दूसरे हाथों से गिराने की कोशिश करती थी लेकिन उस खातून ने स्टिल नाव अभी तक बीमारी को कभी अपने आगे नहीं आने दिया और आज भी वो वही इसी पैशन के साथ आप देख रहे होंगे हंसती मुस्कुराती हुई सुबह की तरह <laughs> अमरीन सिपरा हमारे साथ है अमरीन लंग्स हाँ जी अब आप मैं आपको बताती हूँ कि हुआ ये कि लंग्स में फिर उन्होंने एक्सरे किया उन्हें कहा फाइब्रोसिस हो गया आपकी जो ब्लड कैंसर माइलोप्रोटिव डिसऑर्डर था इट्स टर्न इनटू माइलोफाइब्रोसिस अब क्या होगा कि आपके बॉडी के पार्ट्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते अच्छा जाएंगे फाइब्रोसिस इज समथिंग विच इज नॉन रिवर्सिबल इट्स लंग्स आपके अफेक्ट होकर खत्म हो जाते हैं so, सो वहां पर ये हुआ कि पीपल पीपल्स गो टू आगा खान आई केम होम दे जी आगा खान आगा खान हम गए ऑल द वे उन्होंने कहा कि जी हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देते हैं आपका एंड दिस इज द कॉस्ट वी डेंट हैव द मनी सो समबडी कॉल्ड मी अप एंड ही सेट योर फादर हैड डन सम फेवर टू मलिक रियाज़

एंड वीवोटोल के पंद्रह से सोलह महीने अगर आप सर्वाइव कर जाएंगे मै ब्रदर फ्लू डाउन फ्राम बहरेन गेविज ब्लड टेस्ट वो मैच कर गया कि जी उसी का खून इतना सा लेकर उन्होंने ट्रांसप्लांट करना था समथिंग केम अप हम जब वहाँ गए पैसे पेड हैं एडमिशन होगी है जिस डॉक्टर ने बोन ट्रांसप्लांट करना था उसने अपना पेन नीचे रखा उसने कहा यू हैव वर्कड अप टिलयर बट यू गो बैक उसने कहा यू वॉन्ट गो बैक स्कॉ फाइब्रोटिक लंग्स I can't guarantee it now it's your decision whether you want to just live normal and walk or you want to get into the surgery and do. So then I called up those people who had paid. Hey, this is what they're saying. They said, choice hai. To de hai. So I um, thought over it and I discussed it with my brother and Basit and they said, What do you want to do? I said, go back. If she is saying hey, there's no chance of survival, let's go with the flow.

निकलना नहीं है आना नहीं है अल्लाह का शुक्र है कोविड बिल्कुल भी नहीं हुआ नहीं हुआ। हुआ ही नहीं तो hmm. हाँ। बिकॉज इस so नहीं हुआ कोविड के बाद में बहुत ज्यूरिंग कोविड में बहुत एक्टिव होगी मैंने स्मार्ट कार्ड्स लॉन्च कर दी लकरेड़िया फॉर एमपावरमेंट एंड उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी वेरी इंक्रेजिंग एंड ही सेट कि मुझे इस्लाम भी दो आई गॉट अप्रूवल्स विच वॉज अनबिलीवेबल एंड हमने कोई फाइव हंड्रेड कार्ड्स स्पॉन्सर करके गोभी पेंट्स एंड यू नो डिफरेंट कंपनीज सम पीपल जो लोगों को हेल्प करना चाहते हैं ना वो कुछ नहीं सोचते कि वो क्या करना है सो गोभी पेंट्स में दसी उमर साहब उन्होंने ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उन्होंने कहा डोंट स्टॉप दिस इज अ गुड कॉस्ट जस्ट डू इट वो खूबसूरत भी निकलती आई ना प्रोडक्शन uh. हो रही है मास्क पहन के जा रहे हैं आ रहे हैं mm -hmm. और हम हार्डीज और उसकी ब्रांचेज और चीजें कर रहे हैं सो दे वॉज लाइक वी गेटिंग इन टू रूटीन वो कार्ड चलती रही चलती रही हमारा कि ये प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं शादरा पे हमने पी एच से किया था ये दिस इज़ मोन्यूमेंट ऑफ जहांगीर जो रिवाइव दोबारा बनाया रीबिल्ड mm -hmm. किया so that was like something which was my focus, mujhe karna hai. do you during this time, when i fell ill again, to maghrib we went to the door and i said, no, i have to go back namas i could hardly breathe. pani, was orata. so i came home and i spoke, i did my namas and i spoke to my Allah, i have to get my girls married. i have to deliver this monument. and i have to have a stand-up position before i die. सो गिव मी इनफ टाइम एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी हॉस्पिटलाइज्ड ठीक है एंड वो कोई टाइम में सकता हिम कि मुझे सांस नहीं आ रहा मुझे डॉक्टर डॉक्टर्स कॉल करें कि जमीन पर पैर नहीं लगाना हार्ट का इशू हो जाएगा आई वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर लाइक वीक और टेन डेज टू प्रोलॉन्ग हो गया बट उसके बाद आई केम बैक एंड आई सेट टू हेल्प विद द डिजीज मैं इतना अग्रेसिव काम करूँगी कि मुझे ये सोच ही ना आए कि कोई प्रॉब्लम है किसी किस्म का सो so, हमने ये शादरा अपना कंप्लीट किया मोन्यूमेंट डिलीवर किया इत, इसके दौरान हम ट्री प्लांटेशन की तरफ आ गए कि हमें एक असाइनमेंट मिली कि आप मियावाकीज और अर्बन फॉरेस्टिंग बनाए डॉक्टर कह रहा है बालमिन के पौधे जानवर चीज़ों के पास नहीं और जा रहा नहीं जाना, जाना। मैं कह रही हूँ तो जाऊंगी कह रहे मास्क लगा के सांस ही नहीं आता यार सांस ही नहीं आता क्या करें हम जी रोज़ गुजरा वाला जा रहे हैं काम करें दिस वर ऑल पेड प्रोजेक्ट्स बाय अ कंपनी और हम कर रहे हैं वो करते करते हम एक कॉलेज किया एक स्कूल किया एक यूनिवर्सिटी की सो इन टू ईयर्स आई लास्ट टू ईयर्स आई रियलाइज्ड अब जब बीमार होती थी तो मुझे होता था कि आई हैव डिलेवरेबल्स टू मुझे वापस जाना है और पोजिशन बेहतर और कंपनी भी बेहतर होती जा रही है आपके ईयर एंड के रिजल्ट भी बेहतर आ रहे हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट्स बेहतर हैं पीपल दैट आई हैड टू पे आई वॉज एबल टू यू नो पे दम बैक जिन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए सो दैट्स देयर कॉल कि उनको नहीं अब करते कराते हम स्टेज पे आ गए कि अच्छा जी वी आर नाउ एन जो के के क्लाइमेट चेंज आते, मंथ so, uh, या वो बहुत बड़ा वो हमने लम्स में जी किया वाई बिकॉज आई थॉट डेढ़ एक लाख पौधा तो लगा चुके हैं जिससे ऑक्सीजन बेहतर हो रही है एंड गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को छोटी तो है नहीं जिसमें हमने बारह हजार पौधे लगाए हैं या हम पंजाब यूनिवर्सिटी करें या हम चांदबाग स्कूल करें या मोटरवे के साथ हमने प्लांटेशन की है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चूंग हमने किया है okay. पूरा उसको ब्यूटिफाई किया है सो आई थाट कि वाई नॉट जब हम ये कॉन्ट्रीब्यूट करें टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट तो हमने वी गॉट पैनलिस्ट ऑन बोर्ड हमने हमें लम्स का वेन्यू मिला हमने वहाँ पे करके अपना लॉन्च किया और उस दिन बारिश रात सारी मुझे नींद नहीं आई रात सारी मुझे नींद नहीं आई बिकॉज हमने इतनी तैयारी की हुई थी और हमें था कि लोग आ जाएं हॉल ना खाली हो किसी तरीके से तो uh, सुबह बारिश शुरू होगी गई साढ़े चार बजे मैं उठ के बैठ गई मैंने कहा निकालना मियाँ मतलब वॉट टू डू लोग नहीं आएंगे बिकॉज सड़कें हमारी भर जाएंगी उसी वक्त यहाँ हमें घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा क्या करेंगे बट माई डॉटर एंड आई वर ऑल गेर अप शी कॉल मी अप द प्लान पीपल वर कॉलिंग मी इज़ इट ऑन और इज इट ऑफ दिस इज नाइनटीन सेप्टेम्बर एबसोल्यूटली ऑन जिस जिसने आना है आओ मैंने लम्स वालों से बात की कि अगर मेरे लोग ना आए प्लीज़ कुछ बच्चे बच्चे लोग मुझे फिलअप कर देना सो दे वर लाइक कि हम तो नहीं किसी को कह सकते इज नॉट एन इंस्टीट्यूट के तो नहीं कोई हाँ, आ जाएगा सो यू हैव टू मैनेज बट दे वो वेरी नाइस के टाइम बाइंडिंग में हम आपको जगह टाइम दे देते हैं थोड़ी देर की सारे ग्यारह बारह के बाद लोग आना शुरू हो गए अच्छा मैं जाते हुए दो नफल एडवांस शुक्राने के अल्लाह लमे से करके गई थी असल कनेक्शन लोगों को कि असल कनेक्शन अल्लाह ने और दोस्तों ने दोस्तों, दोस्तों ने। दो ने। लोगों का मैं बिल्कुल लकी अच्छे दोस्त हां और दूसरी ब्लेसिंग है और जो लोग आपको समझते हैं टाइम ऑफ ट्रबल मेडिसिन या बीमारी वी विल हेल्प यू ठीक है, दे हैव देयर ओन वेज टू सपोर्ट बट पास ना भी हो I have to help them. Food, मुझे थोड़ा सा बताइएगा अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दी बल्कि हर रोज अल्लाह ताला हर रोज, रोज देता, देता है हाँ। आप आपकी बात काटूंगी आपको पता है मेरी सोच क्या है एवरी मॉर्निंग मैं कहती हूँ थैंक यू वेल आज क्योंकि आप देखें हमारे फ्रेंड्स हमारे लोग सोते हुए मर गए हाँ, उठे ही नहीं है सो वेन एवर आई स्लीप आई टॉक टू हिम एंड आई टेल हिम मुझे उठा देना सुबह एंड वेन आई बेकअप आई से थैंक यू टू हिम क्योंकि मेरी आईसेट वीक है मैं ज़्यादा क्लोज रीडिंग नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ द कीमोस तो मैं तलावतें और वो चीज़ें Something. असूल की के तौर पे लगाती हूँ अनलेस दिस इज डन माई डे विल नॉट स्टार्ट So, all this is a blessing, and my connection with Allah is like He wakes me up for Thajjan. He wakes me up when I'm in trouble. He, I can feel it that something is with me that is taking me going. Today, my lungs are only 28%. You can't tell. No. <laughs> you can't tell. Right? Yeah. <laughs> when I was in the sympathy mode, one day my, doctor, my daughter said, shuru shuru mein, आप मास्क लगा के पैकेजेस मॉल हमारे साथ नहीं जाएंगी बेनाव टोल्ड कि तुमने पब्लिक में ऐसे नहीं जाना सो ऐसे अच्छा बच्चों को मैं कैसे नाराज करूँ आई डिट इट सो माई डॉक्टर गेट्स एंग्री कि सिगरेट के पास नहीं जाना ये नहीं करना अब मेरे डॉक्टर्स भी कहते हैं जो चीज़ें तुम्हारे इर्द देना, तुमने उनके साथ True. ही चलना है सो वी कान स्टॉप योर हजबेंड फ्रॉम स्मोकिंग You, चला सो चलती जब तक अच्छा मैं बहुत क्वेश्चन है अमरीन कि अल्लाह ताला ने आपको इतना कुछ दिया वो ये देता है बिल्कुल। और आपसे ज्यादा जिंदगी की अहमियत कोई नहीं समझ आई मच ये सब कुछ चीजें पीछे रह जाती है कुछ भी नहीं जाता एक रिस्पांसिबिलिटी हमारे ऊपर आती है सीएसआर के हवाले के जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है बिल्कुल इस सूरत हाल में जिसमें आप गुजरी हैं गुजर रही हैं सी एस आर के हवाले से सिनर्जी की बात नहीं कर रहा मैं अमरीन अच्छा क्या, so Amreen, क्या uh, आप उसको सदका जारिया कह लें आप उसको हेल्प कह आई बिलीव के चैरिटी एट होम मेरा बिलीफ ये है कि जो भी आपका करीबी रिश्तेदार या लोग हैं सबसे पहले वहीं से स्टार्ट वहीं से स्टार्ट वही 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 करो ठीक है एंड होता है कि पीपल वॉन्ट फूड विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिसके लिए वो काम कर रहे होते हैं हेल्पिंग एंड चैरिटी

या अगर मुझे कोई कहता था ना ये लो तुम्हारी मेडिकेशन के पैसे हैं तो मेडिकेशन अपनी जगह है लेकिन अगर कोई और आके मुझे कह देगा ना मेरे पास खाने को नहीं है तो आई वुड मेक श्योर के जो बच रहा है वो उसको दे दो आई थिंक दैट्स माई सर्वाइवल आई आई एम आई प्रेफर हेल्पिंग पीपल मोर देन रादर सेविंग आई डोंट हैव एनी सेविंग आई हैव नो एसेट्स आई डोंट बिलीव बिकॉज मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है वेन आई लॉस्ट माई पेरेंट्स कि कुछ भी नहीं गया उनके साथ कुछ भी नहीं गया वट एवर दे मेड ऑल देर लाइफ सो बेस्ट पार्ट ऑफ सीनर्जी इज ऑल्सो कि जो प्रोजेक्ट्स हम उठाते हैं हम सी एस आर बेस्ड उठाते हैं हम उनको कहते हैं ये जगह हमारे पास है दिस इज द फंडिंग रिक्वायर्ड फॉर इट एंड दिस वट यू नीड टू डू अभी रायट बाजार लाहौर में मॉडल uh, बाजार है उसमें समरी सेट के जी यहाँ पानी बहुत गंदा है लोगों के पास आपको पता है पानी से मेरी hmm. बहुत मोहब्बत है hmm. क्योंकि मैं समझती हूँ पानी फ्री hmm. होना चाहिए, चाहिए। और उधर देन आई बगैर इन्वेस्टमेंट हुए मेरे पास कुछ भी नहीं था आई मेरे कमिटमेंट के ये प्लांट मैं लगाऊंगी सो माई सन एंड लव इज मीनिंग यू सेंग अम्मा आप कमिट कर रही हैं और एक सरकारी बंदे को कमिट कर रही हैं हाउ यू गनो डू इट मैंने कहा ही विल मेक इट हैपन क्योंकि लोग गंदा पानी पी रहे हैं सो hmm. so, वो बच्चा परेशान हो गया उसने मुझे कहा आप लेट डाउन होंगी या आप क्या करिए मैंने कहा किसी ने कुछ ना किया ना मैं खुद से लगा दूंगी क्योंकि मैं जबान दे आई हूँ अच्छा हम वापस आ गए और दो चार छः फोन मैंने घुमाए सो दिस लेडी फ्रॉम एन एन जी सेड हम इसको कर देते बिकॉज नीयत मेरी बिल्कुल साफ थी पर उन्होंने कहा हम कर देते हैं और आप शुरू करें इसको एंड आई सेड बिफोर आप करें मैं पैसा लगा के शुरू कर रही हूँ बिकॉज दिस वॉज माई प्रॉमिस मैं शुरू कर रही हूँ जब आप फ़ंड देंगे तो हम तो उसको उसको कर, कर लेंगे उन्होंने हमें फ़ंड दे दिया हमने शुरू कर दिया उन्होंने हमें फ़ंड दो दिन बाद दे दिया

जिन्होंने पीना है ना असल में यही वो चीजें हैं जो आपको लेके चल रही है आपसे ये काम लेने थे या ये काम ले है वो? और देखे ना हम कहा मॉन्यूमेंट्स और ब्यूटिफिकेशन और मार्केटिंग और कार्ड भी लोगों का रोजगार ही था ना हा, हा। बात यह है कि दरख्तों में हम कैसे आए पौधों पर लगाने पे इट हिज विल के आगे तो जाना है आगे तो जाना। तो तुम्हारे में गुना कैसे धो तुम दरख्त लगाओ और आगे बढ़ो बहुत बढ़ोतरे so, वो हुआ ये कि खुद ही उसने स्विच किया ना हमें आज हम उसमें एक्सपर्ट हैं बिकॉज हमें पता है कि ये दरख्त की क्या वैल्यू है ये प्लांट की क्या वैल्यू है आपको मेरे घर में कोई प्लांट नजर नहीं आएगा बिकॉज वो मेरी हेल्थ के लिए नहीं ना ठीक लेकिन इशू ये है कि हम पौधे लगाते हैं और हम सुकून से आके सोते हैं पौधे लगाते हैं और सुकून से सोते हैं क्योंकि ये सदका जारिया भी है अमरीन अब मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा ये सी एस आर भी हो गया सब कुछ हो गया अब आगे के प्लान्स क्या हैं अल्लाह ताला आपको <coughs> जिंदगी और तंदुरुस्ती और सेहत के साथ बहुत शुक्रिया देखें लाइफ तो जो लिखी हुई है ना हम लिखवा के लाए लाइव इट वो टाइम लिखा है जो कि हमें नहीं पता आगे के प्लान्स ये हैं कि जैसे मैंने डिसाइड किया है कि आई वुड लाइक टू फॉलो ऑन द रोड एट वर्क नॉट बी ऑन बैड बट बिकॉज मेरे लंग्स वीक हैं सो आगे जाके मुश्किल होगा लेकिन प्लान ये है कि जैसे अब हमने क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया है इट्स अ बिग वास्ट सब्जेक्ट इसको एक्सटेंसिवली आगे लेके चलें और जितना काम जितनी टाइम में जितनी कैपेसिटी में बेहतर क्रिएटिव हो सकता है उसको डिलीवर करें hmm. लोगों की मदद करें और किसी को मुश्किल से निकाले शायद आप भी उसी वजह से निकलते हैं सो so, इसलिए ये प्लान्स हमारे बहुत वास्ट हैं अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो हम कर जाएंगे तो आपको आपके ख्वाबों की वो तबीर मिल गई जो बचपन में अमरीन सोचती थी मुझे जॉब नहीं करनी मुझे आ... बिजनेस में जाना है और फिर उसको बढ़ाना है आगे जाना है तो ख्वाबों की तबीर मिल हो गई इस क्लाइमेट चेंज करने से हो गई हो गई बिकॉज मुझे लगता है कि डेस्टिन होती हैं चीजें जो होनी होती है इस क्लाइमेट चेंज को लॉन्च करने के बाद मेरे हिसाब से मेरा ख्वाब पूरा हो गया बिकॉज दिस इज़ अ वास्ट एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट लाइन इसमें बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ ऐसा है जो आपको तसली देता है काम करने पे। खाली दरख्त लगाना नहीं है मतलब उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी के एक सौ चौंसठ पॉइंट्स हैं बहुत आपके डिफरेंट है। है। वो चीज़ें हैं और इस पर जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है ना वो शायद पहले इतने कामों पर अग्रेसिवली नहीं मिला hmm. लेकिन इसमें मुझे लगता है नई सी कि जो मेरा ख़्वाब था कि आई वॉन्ट टू बी अग पर्सन और लोग जैसे मेरे वालद साहब को अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे भी कुछ किसी काम की वजह से याद रखें कि ये कर गई है सो अल्लाह इज़ टेकिंग पार्थ एंड आई बिलीव जो लाइफ है मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से आगे जा। ले जाना चाहती हूँ विद समीवरेबल्स एंड मैसेज फॉर द यूथ एंड कम्यूनिटी कि आप बीमार हैं हम कैंसर पे भी काम करते हैं हम सेशंस भी देते हैं हम डॉक्टर्स हमारी टीम में हैं हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है ड्रॉप इन ओशन के नाम से हम सेशंस देते हैं काउंसलिंग पेशेंट्स हैं हमारे पास हम रेफरल्स करते हैं हम डॉक्टर्स पे मैं जाके ख़ुद बात करती हूँ कि इस पेशेंट का तरीक़ेकार क्या होगा कई दफ़ा मुझे हॉस्पिटल से बुला लेते हैं कि किडनी ट्रांसप्लान्ट का पेशेंट है उसको मोटिवेशन चाहिए आके दो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट लोग सुनते नहीं हैं लेकिन मैं आई पुट माई एफर्ट

मुझे यकीन है कि इन ये सफर जारी रहेगा ये जो ख्वाबों का सिलसिला था अभी बहुत है। है। <laughs> आप उसको लेके चलती रहेंगे और अल्लाह ताला इसके साथ ये भी हूं कि ताला आपको तंदरुस्ती ये, ये मुझे अब समझ आती है जब हमें नाश्ता कर लो दैट्स इम्पोर्टेंट हमने सारी उम्र नहीं किया लेकिन सेहत इतनी बड़ी नियमत है

आई डोंट नो उस दिन क्या हुआ उसने कहा मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ वरना मैं मेड को लेती हूँ चली जाती हूँ कि चलो लगवा के वापस आ जाएंगे उस दिन हम गए और उसने मुझे इंजेक्शन लगाया और उसमें उसने कहा आपकी शुगर ए पे है तो मैं दो एम लगा देती हूँ मैंने कहा ठीक है हम बातें कर रहे हैं मैं और डॉक्टर पास खड़ा हुआ है साथ में एंड बस मेरी एक चीख निकली है और उन्होंने कोड ब्लू अनाउंस कर दी है जब मेरी आंख खुली है तो मेरे ऊपर इतने लोग थे क्योंकि उनका ख्याल था कि ये एक वन मिनट आई वॉज डेड क्लिनिकली डेड फॉर वन मिनट और जब मैं जब मुझे उन्होंने पैट करके जगाया है सी पी आर की तैयारी की है जैसे भी अल्लाह की मर्जी थी वापस आई हूँ तो वो डॉक्टर जी थी उसने कहा शुक्र खुदा का कि मैं तो अपने आप को माफ़ नहीं कर दी कि मैंने क्यों एम लगाए शुगर के तो मुझे समझ नहीं आई मैंने कहा इतने लोग क्यों है उसने कहा कोल्ड ब्लू चल गया था बीबी ओह सो वन केम बैक इट वॉज लाइक देखें कैसे वो मेरे साथ गया क्या हुआ वो एपिसोड जो देखा वो अ नाइट जब मैंने फेसबुक पे लगाया तो रॉन शोल पड़ गया लोगों ने कहा क्या हुआ क्या हुआ अच्छा अब क्यों मैं शेयर करती हूँ कि लोग मुझे कहते हैं कि हॉस्पिटल जाती है तो पोस्ट लगा देती कुछ आई नेवर नो मैंने वापस जाना है कि नहीं तो हर किसी को मैं कॉल तो नहीं कर सकती ना कि मैं हॉस्पिटल हूँ माई रीज़न इसके बच्चे पढ़ लेंगे

टाइम या क्या है तो so, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि तुम अब इधर हम देखते हैं तुम नेशनल उधर हम देखते हैं कि तुम, तुम वापस काम पे हो, काम भाई काम से तो कमाना है क्योंकि काम है तो जिंदगी है और जिंदगी रुकने का नाम नहीं है और आज आप मरीन सिपरा का जो इंटरव्यू देखा है उनकी बातें सुनी यकीनन यकीनन ये बहुत लंबी कहानी है जो ना ख़त्म होने वाली है माशरे में सोसाइटी में बहुत सारी अमरीन सिपरा हैं और भी जिनको हमें तलाश करना होगा <laughs> और एक ऐसा सबक़ है एक ऐसा लेसन है हिम्मत का और आगे बढ़ने का और अपने आप को पैशनेट करने का अगर किसी ने कुछ सीखना हो तो अमरीन सिपरा का ये इंटरव्यू जरूर देखें जो हमेशा ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में ये आपको हमेशा इस सफ़र में इस सफ़र को यादगार बनाएगा इसके साथ मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि ये सफ़र जारी रहेगा अपने रानी सर में तेल डाल दू सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके और हमारे मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो चलो बागे पास इतने पैसे? अब घर रिश्ते कमजोर हो जाए वहाँ घर टूट जाते हैं ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे मॉडल स्टील आओ एक मजबूत घर बनाते हैं